अच्छा, तो आज हम देखेंगे ओस्कर 2020 के बारे में। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किसे कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला पैरासाइट को, साथ ही इसे बेस्ट फॉरेन फिल्म का भी अवार्ड मिला है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओस्कर या फिर द एकेडमी अवार्ड्स की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि नॉन इंग्लिश मूवी को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। पैरासाइट साउथ कोरियन मूवी है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी पैरासाइट मूवी के लिए बोंग जून हो को मिला है। और ये है जोक्विन फिनिक्स, इनको तो आप जानते ही हो, इनकी मूवी नहीं तो मीम्स तो जरूर देखे होंगे आपने, है ना। अच्छा, तो इन्हें मिला बेस्ट एक्टर। तो अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रेनी ज़ेलवेगर को उनकी मूवी जूरी के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है टॉय स्टोरी 4 को। और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला है रॉकेटमैन फिल्म से आई एम गना लव मी अगेन को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है लोरा डर्न को उनकी मूवी मैरिज स्टोरी के लिए। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रैड पिट को वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड के लिए। तो आपको यहाँ याद रखना है कि वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड एंड नॉट इन मुंबई, ठीक है। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है रोजर डिकिंस को मूवी 1917 के लिए। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फीचर का अवार्ड मिला है इफ यू आर ए गर्ल से लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन ए वॉर जोन को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर मिला है अमेरिकन फैक्ट्री को।